स्टार्टिंग फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक से पहले हमने देखी थी प्रोपोजिशनल लॉजिक, बट प्रोपोजिशनल लॉजिक हैड सम फ्लॉज. उसमें हम सारी जो नॉलेज होती है या स्पेसिफिक नॉलेज होती है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेडिकेट कैलकुलस. इससे हम ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं द फॉर्म ऑफ नॉलेज. अच्छा, वहाँ पर हम सिर्फ इस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे थे जो कि सेंटेंसेस की फॉर्म में थी. जैसे कि हमने कहा था इफ़ इट स्नोज आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ. लेकिन हम जो रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था. तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का एडवांटेज ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ उनके रिलेशंस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. व्हाट इज़ द रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स? तो ऑब्जेक्ट्स और रिलेशंस, दीज आर द टू थिंग्स जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक. ऑब्जेक्ट्स इज़ यूजुअली अ नाउन. ये कोई घर, कोई लोग, नंबर्स, कलर्स, बेसबॉल गेम्स, वॉल्स, एनी थिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. यूजुअली अ नाउन. रिलेशंस इज़ यूजुअली अ वर्ब. और जैसे कि ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है. तो अगर हम कहते हैं कि सपोज़ हमारे पास बॉल्स हैं, तो बॉल्स कौन से कलर की हैं? दैट इज़ अ रेड. राउंड, प्राइम, ब्रदर ऑफ, बिगर देन, पार्ट ऑफ, बिकम्स, बिटवीन, दीज आर ऑल यूजुअली अ वर्ब. ठीक है, तो रिलेशनशिप्स आर वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर यूजुअली अ नाउन. जो हम ऊपर बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट्स की, तो ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट्स. एंड देन अदर थिंग दैट वॉज रिलेशंस, रिलेशंस आर कॉल्ड एज प्रेडिकेट्स. क्योंकि प्रेडिकेट लॉजिक है, तो प्रेडिकेट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, एंड कॉन्स्टेंट का वर्ड हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स. अच्छा, अब एग्जांपल पर आ जाते हैं. कॉन्स्टेंट रिफर्स टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट, जैसे कि किसी शख्स का नाम, मार्क, एलाइज, बाइसाइकिल, स्कूटर, दीज आर ऑल नाउन्स जो कि हमने कहा था दीज आर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, और इनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं प्रेडिकेट लॉजिक. प्रेडिकेट या रिलेशंस जो होते हैं वो बिटवीन ऑब्जेक्ट्स होते हैं. सपोज़ पर्सन जो है वो रिलेशनशिप है. तो अगर मैं कहती हूँ मार्क इज़ अ पर्सन, तो मैं उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, पर्सन रिलेशनशिप एंड मार्क इज़ अ पर्सन. ठीक है, तो उसको जब हम पढ़ते हैं तो हम इस तरह पढ़ते हैं. इसी तरह हम अगर कहते हैं एलाइज इज़ अ पर्सन, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ रिलेशन या इन द फॉर्म ऑफ प्रेडिकेट. एलाइज इज़ अ पर्सन, रिलेशनशिप पर्सन है और ऑब्जेक्ट इज़ एलाइज. अगर मैं कहती हूँ मार्क एंड एलाइज नोज़ ईच अदर, तो रिलेशनशिप है नोज़ का, मार्क नोज़ एलाइज. ठीक है, तो उसको जब भी हम पढ़ेंगे तो हम इस तरह पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप एंड देन सेकेंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, मार्क नोज एलाइज. नीचे एक और सेंटेंस है जो कि अभी स्लाइड में नज़र नहीं आ रहा. मार्क राइड्स बाइसाइकिल, तो मार्क राइड्स का रिलेशनशिप है एंड बाइसाइकिल इज़ एन अगेन एन ऑब्जेक्ट. जिस तरह वहाँ पर हम प्रोपोजिशनल लॉजिक में रिप्रेजेंट कर रहे थे या सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे थे यूजिंग द ऑपरेटर्स एंड और नॉट एंड इम्प्लाइज, यहाँ पर भी हम यही काम कर सकते हैं. एंड और नॉट, इम्प्लाइज एंड इक्विवेलेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कंडीशनल से. सही है, जब दोनों इक्वल होंगे. तो अगर मैंने कहा कि मार्क एंड एलाइज नो वन अनदर, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ कि मार्क नोज एलाइज इज़ अ रिलेशनशिप एंड एलाइज नोज मार्क, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को के दरमियान जो रिलेशनशिप है दैट इज़ ऑफ नोज. ठीक है, तो मैं अगर इसको पढ़ूँगी तो मैं इस तरह पढ़ूँगी, मार्क नोज एलाइज एंड एंड को ऑपरेटर है बीच में, एलाइज नोज मार्क. ठीक है. अच्छा, इसी तरह अगर मैं इन सेंटेंसेस को कम लिखना चाहूँ इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, तो हम इसको भी लिख सकते हैं. मैं सिर्फ पहला करके दिखा रही हूँ एंड बाकी जो है दिस इज़ योर एक्सरसाइज, ये तुम लोग खुद करोगे. मार्क नोज एलाइज, तो मैं ये लिख सकती हूँ नोज का रिलेशनशिप है मार्क के लिए एम और एलाइज के लिए ई. ठीक है, तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ मार्क नोज एलाइज एंड एलाइज डज नॉट नो मार्क, एंड नोज का रिलेशनशिप है लेकिन नॉट के साथ, नॉट नोज एलाइज कॉमा मार्क. ठीक है, तो हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, मार्क नोज एलाइज एंड एलाइज नॉट नोज मार्क. ठीक है, इसी तरह ये आगे के कुछ सेंटेंसेस हैं, यू विल कंप्लीट देम बाय योर सेल्फ.
अच्छा, इसीलिए हम कहते हैं कि हम जब प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात कर रहे थे तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को तो रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो दैट वाज अ लिमिटेशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक. ये काम हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कर सकते हैं. नॉट ओनली दिस, अगर हम चाहें तो हम किसी ऑब्जेक्ट के बजाय उस चीज़ को वेरिएबल बना सकते हैं. वेरिएबल मीन्स कि उसकी जगह कुछ भी आ सकता है. सही है? तो मैं अगर कहती हूँ एक्स इज़ एनी वन, कोई भी शख्स हो सकता है वो. अगर वो अलाइस को जानते हैं तो एक्स इज़ अ पर्सन. सपोज़ दिस इज़ अ रूल. ठीक है, तो मैं इस रूल को डिफ़ाइन कर सकती हूँ इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक किस तरह से, कि एक्स इज़ एनी वन, एनी पर्सन, क्योंकि एक्स वेरिएबल है. दिस इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट. यूजुअली जब हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में या प्रोलॉग के अंदर जब हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं दैट इज़ अ वेरिएबल, और जब हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा होता है दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट होता है और वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है. इट कैन वेरी. तो x knows Elias, then x is a person. तो मैं इसका रूल बना सकती हूँ इस तरह से. ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी पर्सन है x और वो knows का रिलेशनशिप है उसका Elias के साथ, तो हम इससे ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि x एक पर्सन है. ठीक है, तो अगर मेरे पास सपोज़ ये रिलेशनशिप दिया हुआ है नॉलेज बेस में कि मार्क knows Elias, तो x की जगह अब क्या आ गया है? मार्क. तो मैं इससे ये चीज़ कंक्लूड कर सकती हूँ या इन्फर कर सकती हूँ कि एक्स यानी कि मार्क इज़ अ पर्सन. ठीक है, वन अदर थिंग जो कि हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में यूज़ कर सकते हैं एंड दैट इज़ वेरी यूजफुल, इसकी एक्सप्रेसिवनेस. एक्सप्रेसिवनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो क्वांटिफायर्स होते हैं. वन इज़ यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड दी अदर इज़ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. ये तुम लोग पहले देख चुके होगे मेरे ख्याल से. फॉर ऑल एंड फॉर सम, फॉर सम के लिए हम ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जो चीज़ सबके लिए ट्रू है दैट इज़ फॉर ऑल. तो जब भी हम वेरिएबल्स लगाते हैं दैट इज़ फॉर ऑल वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. सही है, तो मैंने लिखा है ब्रदर्स आर सिबलिंग्स, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है. तो हम इसके लिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑल. और जो फैक्ट कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए ट्रू होता है और कुछ के लिए नहीं होता, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर फॉर सम. ठीक है, तो दिस इज़ अ फैक्ट एंड दिस इज़ ट्रू फॉर एवरी वन के ब्रदर्स आर सिबलिंग्स. तो एक्स इज, इफ एक्स इज़ अ ब्रदर ऑफ वाई देन एक्स इज़ ऑल्सो अ सिबलिंग ऑफ वाई. बीच में बाई कंडीशनल की का ऑपरेटर लगा हुआ है, यानी कि दोनों साइड्स पर ट्रू है कि अगर एक्स इज़ अ सिबलिंग ऑफ वाई देन एक्स इज़ ऑल्सो अ ब्रदर ऑफ वाई. ठीक है, हम इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं और इस तरह भी पढ़ सकते हैं, बोथ वेज. ठीक है, एंड दैट दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल एक्स एंड वाई. वंस मदर इज़ वंस फीमेल पेरेंट. तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ फॉर ऑल एम एन सी. एम एन सी आर दोनों वेरिएबल्स हैं. एम, इफ एम इज़ अ मदर देन एम इज़ फीमेल एंड एम इज़ पेरेंट ऑफ सी, सम चाइल्ड सी. ठीक है, तो हम इससे ये चीज़ दोनों तरफ से हम इसे पढ़ सकते हैं कि इफ एम इज़ अ फीमेल एंड एम इज़ अ पेरेंट ऑफ सी सम चाइल्ड सी देन एम इज़ ऑल्सो अ मदर. ठीक है, देन बाय कंडीशनल लगा हुआ है तो इट इज़ ट्रू फ्रॉम बोथ साइड्स. सही है, इसी तरह से हम अगर ये सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं द फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक सिबलिंग इज सिमेट्रिक, यानी कि एक्स इज सिबलिंग ऑफ वाई देन वाई इज ऑल्सो सिबलिंग ऑफ एक्स. ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल एक्स एंड वाई. एवरी गार्डनर लाइक्स अ सन. तो अगर मेरे पास सेंटेंस में इस तरह का कुछ लिखा हुआ है कि दैट इज़ ट्रू फॉर एवरी वन, तो मैं उसके लिए यूज़ कर सकती हूँ यूनिवर्सल क्वांटिफायर. लेकिन अगर लिखा हुआ है कि किसी के लिए ट्रू और किसी के लिए नहीं है, तो फिर वहाँ पर हम फॉर सम यानी कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज़ करेंगे. एवरी गार्डनर लाइक्स अ सन. तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एक्स इज़ अ गार्डनर देन एक्स लाइक सन. अब यहाँ पर मेरे पास बाय कंडीशनल नहीं है क्योंकि सिर्फ ये इसी फॉर्मेट में अलाउ के, अगर वो गार्डनर है तो फिर ही उसको सन पसंद होगा. तो दिस सेंटेंस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन दिस बाय कंडीशनल ऑपरेटर. हम इसके लिए इम्प्लाइज का ऑपरेटर ही यूज़ करेंगे क्योंकि सिर्फ वन साइड पे ट्रू है, दोनों साइड्स पे ट्रू नहीं है. क्योंकि एवरी पर्सन दैट लाइक्स अ सन इज नॉट अ गार्डनर. सही है, तो इसलिए हम सिर्फ टू वेज नहीं कर सकते, वन वे होगा. अच्छा, नाउ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस इज़ द लैंग्वेज कॉल्ड प्रोलॉग. प्रोलॉग बहुत पुरानी लैंग्वेज है जो कि पहले बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी. दिस इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग इन लॉजिक. ये जो हम अभी पढ़ रहे थे फैक्ट्स रूल्स एंड क्लॉजेस, इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रोलॉग या अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए. सही है, तो दिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ लैंग्वेज जो कि बनाई इसीलिए गई है कि वो
जो एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर सकें। यही चीज़ अगर हम चाहें तो हम प्रोलॉग के बगैर भी कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई द सिंपल इफ़ देन एल्स रूल्स, लेकिन क्योंकि ये डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है तो उसको मैनिपुलेट करना, उसमें चीज़ें हैंडल करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू सम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज या प्रोसीजरल लैंग्वेज। सही, क्योंकि प्रोसीजरल लैंग्वेज में हमें फंक्शंस बनाने पड़ेंगे और अलग अलग करके सब चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो दिस इज़ स्पेशल पर्पज़ लैंग्वेज जो कि सिर्फ नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए और उसे कोई चीज़ इन्फर करने के लिए डिज़ाइन की गई है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, फैक्ट्स जो कि ऑब्जेक्ट्स के बारे में होते हैं, उनके कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, रूल्स होते हैं जो कि जनरलाइज होते हैं जिसमें वेरिएबल्स यूज़ कर रहे होते हैं, और वी कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप्स, या कोई चीज़ अगर हमें इन्फर करवानी है या फिर हमें ये पूछना है कि वो चीज़ ट्रू है या नहीं है, वी कैन डू दैट ईजिली यूजिंग प्रोलॉग। अच्छा, तो हमारे पास कुछ फैक्ट्स होते हैं और रूल्स होते हैं। फैक्ट्स जो होते हैं वो दे आर ऑलवेज ट्रू, यानी कि अगर मैंने कुछ इस तरह का लिखा हुआ है फादर जॉन कॉमा जेम, तो मैं इसको इस तरह पढ़ूंगी जॉन इज़ अ फादर ऑफ जेम, एंड क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स में रिप्रेजेंट करा हुआ है दिस इज़ ऑलवेज ट्रू। ठीक है, कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं जो कि किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। सही है, तो हमारे पास जिस तरह एम्प्लाइज का ऑपरेटर था, तो यहाँ पर प्रोलॉग में एम्प्लाइज की जगह कोलन, और अच्छा जब भी हम प्रोलॉग में कोई फैक्ट या रूल लिखते हैं दैट मस्ट एंड विद अ डॉट, जैसे कि यहाँ पर भी डॉट है और यहाँ पर भी डॉट है, ये लाइंस डिफरेंट हो गई हैं। तो हम जब भी इसको पढ़ेंगे फैक्ट्स फैक्ट्स आर ऑलवेज ट्रू, यानी कि यहाँ पर कोई चीज़ वेरी नहीं करी है, वेरिएबल कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ पर कुछ चीज़ें दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं, यानी कि वो ट्रू होगा तो फिर ये ट्रू होगा, तो वो दैट इज़ कॉल्ड अ रूल। ठीक है, तो रूल्स आर यूजुअली जो कि इम्प्लाइज के ऑपरेटर से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये एक फैक्ट है, यानी कि ये चीज़ हमेशा ही ट्रू रहेगी, ये किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पर इस तरह लिख सकती हूँ जॉन इज़ अ फादर ऑफ जेम, और अगर मैं इस तरह का कोई सेंटेंस है कि अगर कोई किसी का पेरेंट है, यानी कि इफ़ अ पर्सन वन इज़ अ पेरेंट ऑफ पर्सन टू, तो या तो वो उसका फादर होगा या फिर मदर, उसका जो रिलेशनशिप होगा या तो फादर का होगा या फिर मदर का होगा, और का ऑपरेटर आएगा बीच में। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ दैट इम्प्लाइज़ इफ़ पेरेंट पर्सन वन इज़ अ पेरेंट ऑफ पर्सन टू इम्प्लाइज दैट पर्सन वन इज़ आइदर अ फादर ऑफ पर्सन टू, और के लिए हमने सेमी कोलन यूज़ करा है, पर्सन वन इज़ अ मदर ऑफ पर्सन टू। ठीक है, ये जब तुम लोग लैब में प्रोलॉग करोगे तो वहाँ पर और सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि फॉर्मेट या सिंटेक्स एग्जैक्टली होता क्या। जो रिलेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड अ प्रेडिकेट, यानी कि मैं अगर कह रही हूँ पेरेंट, तो पेरेंट इज़ अ प्रेडिकेट। ठीक है, और ये जो जेन और एलन है दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स, जेन इज़ अ पेरेंट ऑफ एलन, तो जो रिलेशनशिप है दैट इज़ कॉल्ड अ प्रेडिकेट। अच्छा, प्रेडिकेट जो होता है प्रेडिकेट हेड मीन्स कि जो उसका नाम होगा प्रेडिकेट का वो आएगा, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर उसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगर हैं तो वो आएंगे सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, जो रिलेशनशिप्स होते हैं आर्ग्यूमेंट्स में क्या क्या हो सकता है, वो कोई कॉन्स्टेंट भी हो सकता है और वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है। सही है, तो अब अगर हमारे पास सपोज इस तरह का कोई रूल लिखा हुआ है, तो द फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड द हेड ऑफ दिस क्लॉज। सही है, दिस इज़ द क्लॉज और ये इसका हेड है, और जो बॉडी है वो ये है जो इम्प्लाइज के बाद लिखी हुई है। सही है, तो बेसिकली रूल के दो पार्ट्स होते हैं जब भी हम कोई रूल डिफाइन करते हैं, एक हेड होता है और बॉडी होती है। हेड सिर्फ हम अगर लिखते हैं विदाउट अ बॉडी दैट इज़ कॉल्ड अ फैक्ट, और फैक्ट्स की कोई बॉडी नहीं होती है, ये हमेशा ट्रू होता है। सही है, तो हमारे पास फैक्ट्स कुछ इस तरह के हो सकते हैं, जॉन इज़ अ फादर ऑफ जेम, जेन इज़ अ फादर ऑफ जेम, जैक इज़ अ फादर ऑफ जॉन, तो मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ प्रोलॉग लिख सकती हूँ। ठीक है, फादर का रिलेशनशिप होगा विथ जॉन एंड जेम, मदर का रिलेशनशिप होगा बिटवीन जेन एंड जेम, एंड सो ऑन। रूल्स में अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ पर्सन वन इज़ अ पेरेंट ऑफ पर्सन टू इफ़ पर्सन वन इज़ द फादर ऑफ पर्सन टू और पर्सन वन इज़ अ मदर ऑफ पर्सन टू, तो मैं अगर इसको इन द फॉर्म ऑफ रूल डिफाइन करती हूँ तो इसके दो पार्ट्स होंगे, द फर्स्ट इज़ कॉल्ड द हेड एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड द बॉडी। और रूल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमेशा ट्रू नहीं होंगे, ये जब ही ट्रू होंगे जब पर्सन वन इज़ अ पेरेंट ऑफ पर्सन टू, अगर वो पेरेंट ही नहीं है तो फिर वो सब चीज़ें नहीं होंगी जो आगे बॉडी के अंदर आ रही हैं। तो मैं अगर गिवन दीज रूल्स एंड दिस फैक्ट दीज फैक्ट्स एंड दिस रूल सिंगल रूल, मैं यहाँ से ये क्वेश्चंस कर सकती हूँ यूजिंग प्रोलॉग, हु इज़ जेम्स फादर, अगर मैंने उससे कहा हुआ है कि जॉन इज़ द फादर ऑफ जेम,
तो यूजिंग दीज रूल्स वो मुझे ये इस इन सब चीज़ों के आंसर कर सकता है. हु इज़ जेम्स फादर? जेन द मदर. इज़ जेन द मदर ऑफ फ्रेड? इज़ जेन द मदर ऑफ जेम? डज जैक हैव अ ग्रैंड चाइल्ड एंड सो ऑन. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द नॉलेज बेस, मैं जितना नॉलेज बेस बढ़ाती रहूँगी उतने ही ज़्यादा मैं उससे क्वेरीज भी कर सकती हूँ और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी कर सकती हूँ. जैसे कि यहाँ पर है कि डज जैक हैव अ ग्रैंड चाइल्ड, सही है, तो वो जितनी मैं इसकी चाहूँ कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ कर सकती हूँ रिलेशनशिप्स बना के और रूल्स बना के.